हेलो एवरीवन, इन द प्रीवियस सेशन वी लर्न अबाउट सॉल्वेंसी रेशियो के बारे में बात हुई थी, लिक्विडिटी रेशियो के बारे में बात हुई थी। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के बारे में। तो गाइस, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो नाम से ही समझ में आ रहा है कि जब भी बात होगी फायदे की तो ये वाला रेशियो लगाना है। अब पॉइंट क्या है कि किसी के माइंड में ये आ रहा होगा कि सर, ये तो हमने अपने जब हमने अपना करियर स्टार्ट किया था तभी हमें समझ में आ गया था कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं या उसकी कैलकुलेशन में किस स्टेटमेंट को देखते हैं, बैलेंस शीट को कहां देखते हैं, P&L को कैसे देखते हैं, ये तो हमने ऑलरेडी सीख रखा है। तो इस पे आपको लेक्चर देने की क्या नीड है और ऐसा क्या रीजन है कि हम लोग इसको अपना मतलब कंसिडरेशन में ले रहे हैं रिगार्डिंग कैलकुलेशन, क्योंकि ये बहुत बेसिक टर्म है। तो गाइज, आई टेल यू कि ये बेसिक नहीं है। Most of the time, लोगों को एक मिथ रहता है माइंड में कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इज अबाउट ग्रॉस प्रॉफिट, इट्स अबाउट नेट प्रॉफिट ओनली। क्योंकि क्या होता है ना, हम बचपन से ही जब हम लोग 11th स्टैंडर्ड में आए होते हैं तो हम लोग ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, तो उसमें ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बहुत बनाते हैं। तो वही हम लोगों की जान पहचान हो जाती है ग्रॉस प्रॉफिट से और नेट प्रॉफिट से। तो जब भी हमें कैलकुलेट करना होता है, मतलब कंपनी की एक्चुअल पोजीशन जाननी होती है, तो हम ग्रॉस प्रॉफिट को कंसीडर करते हैं और नेट प्रॉफिट को करते हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ लोग तो सिर्फ और सिर्फ नेट प्रॉफिट को करते हैं। तो गाइज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नेट प्रॉफिट इकलौता फैक्टर नहीं है। यस, आई रिपीट, नेट प्रॉफिट इकलौता फैक्टर नहीं है। देर आर मेनी अदर फैक्टर्स जिनके बेसिस पे आप कैलकुलेशंस ड्रॉ करेंगे, अपने कॉन्क्लूजन्स निकालेंगे, और फाइनेंशियल मॉडलिंग जैसे कोर्सेज को जब आप इनरोल कर लेते हो ना, तो वहां पर आकर आपको जो रेशियो एनालिसिस करना होता है वहां भी आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट इन रेशियोज पे चलेगा। तो थोड़ा सा तो एक आइडिया लग गया कि सर, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से ऊपर ही पढ़ाने वाले हो, उससे नीचे नहीं पढ़ाओ। तो थोड़ा सा स्क्रीन पर देखते हैं गाइस और समझते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता क्या है। बड़ा अच्छा सा लिखा हुआ है यहाँ पर, तो वो देखते हैं पहले और फिर आगे का सेशन स्टार्ट करते हैं। अ कंपनीज कैपेसिटी टू जनरेट प्रॉफिट फ्रॉम सेल्स और एक्टिविटीज, बैलेंस शीट, असेट्स और शेयर होल्डर, इक्विटी इज इवैल्यूएटेड बाय प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। जैसा कि बहुत सिंपल सी चीज है यार, कि जब भी बात सेल्स की होगी, असेट्स की होगी, शेयर होल्डर इक्विटी की होगी, तो ये सारी चीजें इवैल्यूएट होती हैं, जिसे कहते हैं ना कंपैरिजन इवैल्यूएशन। सारा जो बेसिस फॉर कैलकुलेशन है वो आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हो जाता है, ठीक है। दे डिमॉन्स्ट्रेट हाउ इफेक्टिवली अ बिजनेस प्रोड्यूस रेवेन्यू एंड वेल्थ फॉर शेयर होल्डर। ये भी समझ में आ गया सर, क्योंकि अगर बात हो रही है रेवेन्यूज की तो मैं तो P&L पहुंच जाऊंगा, और बात हो रही है अगर शेयर होल्डर्स की तो बैलेंस शीट पहुंच जाऊंगा, और वहां पर जाकर नेट प्रॉफिट दिख जाएगा, शेयर होल्डर्स की इक्विटी बढ़ी हुई दिख जाएगी। मुझे आंसर समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से पर्टिकुलर कंपनी या पर्टिकुलर बिजनेस परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, अब थोड़ा सा समझने की बात है, क्योंकि नेक्स्ट जो ये आपकी स्क्रीन पे 3 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, वो आई एश्योर कि बहुत ही कम लोगों ने उनको मतलब अब तक पढ़ा होगा, उनके बारे में उनको पता होगा, राइट। और उनकी जो एप्लीकेशन है कि किस तरीके से, अगर किसी ने सुना भी होगा तो उसकी एप्लीकेशन नहीं पता होगी, तो वो है मार्जिन एंड रिटर्न रेशियो। यस, मार्जिन एंड रिटर्न रेशियो आर एग्जांपल्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अब तक क्या होता था, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट को ही हम लोग कंसिडर करके अपने कॉन्क्लूजन्स ड्रॉ करते थे। बट गाइस, आपको मार्जिन पे ध्यान देना है, क्योंकि गेम मार्जिन की बहुत बड़ी है और बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट। हायर रेशियोज विच शो सक्सेस इन टर्निंग रेवेन्यू टू प्रॉफिट are frequently preferable than lower ratio. बहुत सिंपल है, जितना हायर रेशियो उतनी अच्छी चीजें हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसे कि मैंने आपको लिक्विडिटी रेशियो में बोला था कि यार, अगर करंट रेशियो, जो कि आइडियल रेशियो होता है, 1:2 या 2:1 फॉर एवरी करंट लाइबिलिटी, एवरी वन करंट लाइबिलिटी वी हैव टू होल्ड 2 करंट असेट्स। मतलब अगर एक लाइबिलिटी है तो कम से कम 2 करंट असेट्स होनी चाहिए। और कोई आपसे बोल दे 8:5, मतलब 5 करंट लाइबिलिटीज हैं और 8 असेट्स हैं, तो अच्छी बात है ना यार।
बड़ी बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि डबल होती तो ज्यादा मजा आता है। 5 यहाँ पर लाइबिलिटीज हैं और 10 करंट असेट्स हो जाती तो आइडल सिचुएशन हो जाती, पर आइडल होती नहीं है। समवे अराउंड हम आइडल के नियर अबाउट होंगे या आइडल के ऊपर नीचे होंगे, आइडल सिचुएशन बहुत ही रेयर टू रेयर केस में होती है। ठीक है, तो यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बताते हैं कि जितना आपका रेशियो हायर निकलेगा उतने ही आपके रेवेन्यूज, कंपनी की जो पर्टिकुलर रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी है बहुत अच्छी मानी जाएगी, एंड वाइस वर्सा मींस इसका जस्ट अपोजिट, जितना कम रेशियो उतनी दिक्कत की बात है बॉस। द परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी इज इवैल्यूएटेड यूजिंग दिस रेशियो इन रिलेशन टू इट्स हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, द परफॉर्मेंस ऑफ अदर बिजनेस इन द सेम इंडस्ट्री और द इंडस्ट्री एवरेज। गाइज ये वाली लाइन ना मैंने जानबूझकर यूज करी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग बुकिश लैंग्वेज पे जाते हैं और हमें ना समझ में नहीं आती कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का यहाँ कंसेप्ट क्या है। तो यार देखो, मैंने ना यहाँ पर एक चीज लिखी है कि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है राइट इज इवेल्यूएटेड यूजिंग दीज रेशियो, मतलब मैं जब भी मैं फाइनेंशियल मॉडलिंग के लेक्चर्स लेता हूँ तो मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ कि अगर आपको कंपनी की परफॉर्मेंस जाननी है ना, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस जाननी है या उसका कंपैरिजन करना है तो आपको रेशियो एनालिसिस जरूर करना चाहिए, क्योंकि रेशियो एनालिसिस करने के बाद ना आपको ये दोनों डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग बड़े बड़े प्रोजेक्शंस करते हैं बट ना तो वो ये एप्लीकेशन लगाते हैं और ना ही उनका इंटरप्रिटेशन करते हैं। सो गाइज ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, वी हैव टू यूज रेशियो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेट देम राइट, कि उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अगर 2:1 रेशियो नहीं है तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे राइट, डेट इक्विटी रेशियो के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब इसके अंदर क्या है कि जब आप प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो यूज करोगे तो कंपनी का हिस्टोरिकल डेटा, कंपनी का परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू द कॉम्पिटिटर्स और इंडस्ट्री का एवरेज, ये सारा आंसर आपको यहां से मिलेगा। मतलब अगर मैं मोटा माटी बात करूं तो अगर किसी ने आपसे इंटरव्यू में ये पूछ लिया कि भाई एक बात बताओ, इंडस्ट्री का एवरेज पता लग जाए, कंपनी का कॉम्पिटिटर का कंपैरिजन पता लग जाए और हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस पता लग जाए, ऐसी कौन सी चीज है जिससे हम ये पता कर सकते हैं, एक ही आंसर, रेशियो एनालिसिस डन। तो जल्दी से अब समझते हैं कि ये गेम कितनी अच्छी है और कितनी स्ट्रॉन्ग है। टाइप्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, तो यार मैंने नहीं लिखा कोई भी वो ओल्ड रेशियो जो आप लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि आई नो दैट यार ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट सब जानते हैं, मार्जिन रेशियो समझो, गेम इसकी है। तो मार्जिन रेशियो क्या होता है पहले तो थोड़ा सा स्क्रीन पे पढ़ते हैं, देन गाइज मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा राइट। टू असेस अ कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी एट वेरियस कॉस्ट लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मल्टीपल प्रॉफिट मार्जिन आर यूज्ड, द ग्रॉस ऑपरेशनल प्री टैक्स एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन्स आर फ्यू एग्जाम्पल ऑफ दीज प्रॉफिट मार्जिन्स। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड कॉस्ट ग्रो व्हेन कॉस्ट आर लो एंड नैरो एज मोर एक्सपेंडिचर सच एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस एंड टैक्सेस आर टेकन इनटू अकाउंट। अभी तक थोड़ी बात समझ में आई होगी, पूरी नहीं समझ में आई होगी तो वो मैं बता देता हूं कि आपको ये वाला पर्टिकुलर मार्जिन रेशियोज कैसे हेल्प करते हैं। सी, अगर आप किसी ऐसे प्रोडक्ट को बना रहे हो जिसको फेजेस में पास ऑन होना है राइट, फेजेस में पास ऑन होना है, तो गाइस आपको हर लेवल पे ये पता होना चाहिए कि मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट हर लेवल पे क्या आ रही है और हर लेवल पे मुझे प्रॉफिट क्या चल रहा है, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही कुछ गड़बड़ हो जाती है। हम फॉरकास्टिंग भी करते हैं तो फॉरकास्टिंग जो एक हमारी फिगर प्लस में चल रही होती है, लेटर ऑन देखते हैं हम वो डिक्लाइन में आना स्टार्ट हो जाती है। रीजन बहुत सिंपल है गाइज, क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमें पॉइंट ऑफ करेक्शन समझ में नहीं आता है कि कहां पर हमें वो मेजर्स लेने थे जिनकी वजह से हम लोग नेगेटिव या लॉस मेकिंग सिचुएशन को प्रॉफिटेबल सिचुएशन में ला पाए। तो अगर आप मार्जिन रेशियो यूज करते हैं तो आपको हर लेवल पे पता लग जाएगा कि कहां पर आप ओवर परफॉर्म कर रहे हो, कहां पर आप अंडर परफॉर्म कर रहे हो, मतलब कहां पर आप लॉसेस में जाने वाले हो और कहां पर आप प्रॉफिट में जाने वाले हो, ये आपको मार्जिन रेशियोज बता देते हैं।
बिकॉज मार्जिन रेशियोज का काम ही यही है कि आपको हर लेवल पे करेक्ट करे। चलिए सर, मार्जिन रेशियोज की कहानी मुझे यहां पर समझ में आ गई। मतलब अगर मुझे कोई प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की बात करेगा तो मैं अपने माइंड में मार्जिन रेशियोज को कैलकुलेट करूंगा और ये सोचूंगा कि किस लेवल पे कितना प्रॉफिट मुझे मिलना चाहिए या कितना मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कितनी मेरी कॉस्ट ज्यादा आ रही है। तो ये सारी चीजें मुझे बताता है मार्जिन रेशियो। मार्जिन रेशियो हमें समझ में आ गया। अब मार्जिन रेशियो में सबसे पहले हम लेते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन। ऑपरेटिंग मार्जिन क्या होता है, अब इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एंड आई विल एक्सप्लेन इन अ वेरी ब्रीफ मैनर गाइस, तो आपको समझ में भी आ जाएगा। ऑपरेटिंग मार्जिन क्या होता है, द परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू दैट रिमेन आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड टिपिकल ऑपरेशनल एक्सपेंसेस सच एज सेल्स एंड मार्केटिंग जनरल एक्सपेंसेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस इज नोन एज द ऑपरेटिंग मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज कंट्रास्टेड विद द रेवेन्यू। अब देखो यार, मैं आपको आपके लिए बहुत सिंपल कर दूं, इसके लिए आपको कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी दो चीजें समझनी है, और पहली चीज है आपका ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा है आपका P&L अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, जहां पे आप COGS लेते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट, परचेज, राइट। तो जो भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो आपके आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, और ट्रेडिंग अकाउंट में जब डायरेक्ट एक्सपेंसेस, आपके परचेसेस, परचेस रिटर्न, सेल, सेल रिटर्न, ये वाली कहानी आती है, तो वहां हम यूज करते हैं COGS को। तो यानी कि पहला फेज हमारा ट्रेडिंग अकाउंट से होके गुजर रहा है। ओके सर, समझ में आ गया। दूसरा आता है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें कहां मिलते हैं गाइस, ये मिलेंगे आपको P&L में। तो कहने की बात ये है कि जब आप रेवेन्यूज में से COGS और आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस P&L वाले निकाल देते हो, तो जो परसेंटेज हम कैलकुलेट करते हैं, द परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू दैट रिमेन आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट दैट इज नोन एज ऑपरेटिंग मार्जिन। वहां आपको ऑपरेटिंग मार्जिन मिल जाता है। तो हमेशा याद रखना कि अगर बात कर रहा हूं मैं किसी कंपनी की, अब थोड़ा सा समझ रहा, जब हम फॉरकास्टिंग करते हैं, फॉरकास्टिंग मतलब जब भी मैं किसी कंपनी का फॉरकास्ट करता हूं, राइट, तो मैं क्या करता हूं, मैं बस एक ही काम करता हूं उस कंपनी के साथ, मैं सबसे पहले ये मेक श्योर करता हूं कि कंपनीज का जो डेटा मैं ले रहा हूं P&L से, वो भी किसका, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का, राइट, बैलेंस शीट का, तो उसको इवेल्युएट करता हूं और उसके बाद मैं रेशियोज का एनालिसिस करता हूं। तो जब मैं रेशियोज एनालिसिस करता हूं, तो सबसे पहले मैंने क्या करा, P&L वाले आइटम्स में से ऑपरेटिंग मार्जिन का परसेंटेज चेक कर लिया, उसको मैंने यहां पर अपने रेशियो एनालिसिस में दिखा दिया और उसी को बेस बनाकर मैंने फ्यूचर फॉरकास्ट कर दिया। मतलब मैंने सोचा कि अगर 20% आ रहा है, 20% आ रहा है ऑपरेटिंग मार्जिन, तो आने वाले सालों में कंपनी कुछ ना कुछ या तो 20-30 ही रखेगी, क्योंकि मैं पास्ट का ट्रेंड भी देख कर आ रहा हूं। पास्ट का ट्रेंड मतलब गाइस, जब भी हम फॉरकास्टिंग करते हैं तो 5 years का प्रीवियस के, 5 previous year मतलब इमीडिएट 5 years का हम लोग क्या करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं, उनकी कैलकुलेशन करते हैं, उनके ग्रोथ परसेंटेज चेक करते हैं, राइट, ग्रोथ की कंपनी कितनी ग्रोथ में जा रही है, डिक्लाइन भी आता है, तो उसी के बेसिस पे हमारे फॉरकास्ट मूव करता है। जी सर, ये भी बात समझ में आ गई। तो इसी के साथ मैं आपको नेक्स्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को लेकर चलता, प्री टैक्स मार्जिन। नाम से ही समझ में आ गया होगा, टैक्स से पहले वाला मार्जिन। और देखिए गाइस, मैं आपको ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं अगर आप लोग फॉरकास्टिंग में जा रहे हो। मैं बार बार एक ही वर्ड यूज कर रहा हूं, फॉरकास्टिंग, प्रोजेक्शंस, राइट, क्योंकि मुझे पता है ये सारी कहानी कहां यूज होनी है, फाइनेंशियल मॉडलिंग, और फाइनेंशियल मॉडलिंग में इन सारे कंसेप्ट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ओके, थोड़ा सा समझते हैं। द प्री टैक्स मार्जिन डिस्प्ले अ कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी आफ्टर डिडक्टिंग ऑल कॉस्ट एक्सेप्ट टैक्स एंड नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट लाइक इंटरेस्ट एंड इन्वेंटरी
राइट ऑफ। गाइज देखो मैंने ना यहाँ दो चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जानबूझ के, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं। प्री टैक्स मार्जिन क्या डिस्प्ले करता है? कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी आफ्टर डिडक्टिंग ऑल कॉस्ट। आप सारी कॉस्ट हटा देना, मगर दो तीन चीजों का ध्यान रखना, एक टैक्स का, दूसरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का। लाइक जैसे कि माइंड में आते नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो होते हैं जो हमारे डे टू डे कंपनी को या बिजनेस को रन कराने के लिए होते हैं। दीज आर ऑपरेटिंग। आप फ्यूल खरीद रहे हो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है आपका। आपके लिए लाइट है, ये आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो होता है आपका इंटरेस्ट। ये हम डेली बेसिस पे इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट की वजह से हमारा काम नहीं हो रहा, राइट? ये नॉन ऑपरेटिंग है, एक्सपेंस तो है मगर नॉन ऑपरेटिंग है। एंड इन्वेंट्री राइट ऑफ्स, और इन्वेंट्री के जो हमारे राइट ऑफ्स होते हैं, तो इनको जरा ध्यान रखना, इन तीन को हटा देना। ओके, प्री टैक्स मार्जिन सिमिलरली टू अदर मार्जिन रेशियोज इवैल्यूएटिंग इनकम टू एक्सपेंसेस, ये भी वही काम करता है बाय इंक्रीजिंग रेवेन्यू व्हाइल रिड्यूसिंग कॉस्ट। इसका भी मेन फोकस यही है कि भैया प्रॉफिट कैसे भी हाइक कर जाए और कॉस्ट कम है, राइट? इट कैन डिमॉन्स्ट्रेट मैनेजमेंट कैपेसिटी टू ऑपरेट अ बिजनेस एफिशिएंटली एंड सक्सेसफुली। इसका काम क्या है? प्री टैक्स मार्जिन ये बता देता है कि कंपनी कितना ढंग से काम कर रही है, कितना एफिशिएंटली काम कर रही है, सो दैट हमें पता लग जाता है कि मैनेजमेंट में रिवाइवल की नीड है कि नहीं। मतलब अगर आप प्री टैक्स मार्जिन यूज कर लोगे तो पिक्चर क्लियर हो जाएगी कंपनी कितना एफिशिएंटली वर्क कर रही है, क्योंकि वहां पर आप सारी कॉस्ट हटा दोगे, दो आइटम तीन आइटम रहने दोगे, एक टैक्स, दूसरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जिसमें आपको मैंने बताया इंटरेस्ट और इन्वेंट्री राइट ऑफ्स, इनको रोक के चलना, पिक्चर आपके सामने आ जाएगी। इसका काम भी क्या है? रेवेन्यू को बढ़ाना और कॉस्ट को घटाना, और इसकी हेल्प से आपको पता लगता है कंपनी के ऑपरेशंस होल्ड करने की या रन कराने की कैपेसिटी के बारे में। तो अगर यहां पर आपको नेगेटिव टर्म्स आए, मतलब आप कहोगे सर इसमें क्या माइनस की वैल्यू आएगी, माइनस नहीं आएगा, आ भी सकता है लेकिन इसमें डिक्लाइनिंग फैक्टर दिखेगा कि पहले 10 था अब 9 हो गया, 8, 7, तो अगर आपको समझ में आ जाता है कि ये डिक्रीजिंग मैनर में आ रहा है तो इट सिंपली मींस आपका जो मैनेजमेंट है, जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी से हमें पता लग रहा है, वो ये है कि वो बहुत वीकर है। सो इट्स अ हाई टाइम दैट वी शुड चेंज द एंटायर सिस्टम। तो यहां हमें प्री टैक्स मार्जिन भी समझ में आ गया, which is a very good thing, yaar. Now, next is net profit margin. अब net profit margin क्या होता है? थोड़ा सा इसको समझते हैं। The ability of business to create profits after all cost and taxes are taken into account is shown by its net profit margin. देखिए यार, मैंने यही आप लोगों को कुछ चीजों पे करेक्ट किया है। Mostly क्या होता है, जब students थोड़ा सा ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं या कैलकुलेशन अच्छी करने लग जाते हैं तो अपने बेसिक चीजें भूलते हैं। प्री टैक्स समझ में नहीं आता, नेट प्रॉफिट मार्जिन समझ में नहीं आता, और समझ में भी आता है तो उसको मिक्स कर लेते हैं। तो ध्यान रखना, वहां टैक्स को इंक्लूड नहीं कर रहे थे, यहाँ टैक्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं। नेट वाली बात हो रही है ना, नेट फिगर, इट्स नॉट अ ग्रॉस। तो नेट में हम लोगों ने क्या करा, टैक्स को भी डिडक्ट करा और उसके बाद देखा कितना प्रॉफिट हम पर अवेलेबल है, उसी को बोलते हैं नेट मार्जिन। अब इसका कंसेप्ट क्या है, काम क्या है, वो समझते हैं। इट इज कैलकुलेटिंग बाय डिवाइडिंग नेट इनकम बाय ओवरऑल रेवेन्यू, नेट इनकम बाय ओवरऑल रेवेन्यू। मतलब जो डिडक्ट करने के बाद प्रॉफिट आया उसको आप डिवाइड कर दोगे टोटल रेवेन्यू से। कहते हैं ना, हमने कमाया 1 करोड़, लेकिन प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट हमारा था 30 लाख रुपए का, तो 30 लाख डिवाइडेड बाय 1 crore, then you will get the net margin, net profit margin. अब guys आपको ये concept पता लग गया तो आपको क्या करना है, बहुत simple है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हम लोग ना typical बनाते हैं calculation को, typical नहीं बनाना है, हमेशा अपनी calculation को simple रखिए as much as you can. तो उसके लिए आपको क्या करना है, just go to the P&L, जितने भी आपके audited years हैं, मतलब जितने years आपके पास हैं, जो आप 5 साल का डेटा एनालिसिस करने वाले हो,
उन सबका नेट प्रॉफिट मार्जिन निकाल लो। क्या करना है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल रेवेन्यू। नेट प्रॉफिट भी आपको दिया होता है और टोटल रेवेन्यू भी आपको एनुअल रिपोर्ट में ही दिया होता है। अब 5 साल का कंपैरिजन कर लो। कंपैरिजन मतलब पहले साल का 10% आया था, दूसरे का 20, तीसरे का 30, चौथे का 40% और पांचवें ईयर का आया था 50%। तो यहां मैंने देख लिया कि जो नेट प्रॉफिट परसेंटेज है वो इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 10, मतलब हर बार उसके अंदर 10% एड हो रहा है। 10 + 20, 20 + 10, 30, 30 + 10, 40, 40 + 10, 50. तो इस तरीके से हम लोग प्रोजेक्शन करते हैं। अब बात आ गई प्रोजेक्शन की, तो मैं समझ आ रहा हूं ये मानूंगा ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग ना, पॉजिटिविटी से हम सोचेंगे तो हम यही सोचेंगे कि यार अब ये सिक्स्थ ईयर भी जाएगा तो बेर मिनिमम 10% तो बढ़ेगा, ठीक है। तो हम समझ आ रहा हूं वहां पर वैल्यू को ले लेते हैं और उसी के बेसिस पे प्रोजेक्शन स्टार्ट। तो यार सर ये भी चीज हमें समझ में आ गई, अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं। द नेट प्रॉफिट मार्जिन इज यूज्ड एज अ प्रॉक्सी फॉर कंपनीज ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ। इट कैन शो वेदर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज मेकिंग अ सफिशिएंट प्रॉफिट फ्रॉम सेल्स एंड कीपिंग ऑल कॉस्ट इन चेक। यहां कंपनी वही काम करती है जो उसको करना चाहिए, कि वो क्या करती है, वो ये चेक करती है कि सारे प्रॉफिट्स ढंग से आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं और कॉस्ट हमारे कंट्रोल में है कि नहीं। तो गाइज मैंने आपको बहुत ही सिंपल वे में एक चीज बता दी कि आप लोगों को जब हम लोग फाइनेंशियल मॉडलिंग करेंगे ना तो नेट प्रॉफिट मार्जिन के लिए बस सिंपल ही काम है सीधे जाना एनुअल रिपोर्ट्स में, P&L में आपको रेवेन्यूज और नीचे नेट प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल रेवेन्यू करना, नेट प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा और सारे प्रीवियस ईयर का चेक कर लेगा। जब आप प्रीवियस ईयर का चेक कर लोगे तो पिक्चर सामने आ जाएगी, वहां चेक करना ग्रोथ में है कि डिक्लाइन मोड में है। अगर ग्रोथ में है तो उतना ही परसेंटेज अज्यूम कर लेना कि इतना तो इंक्रीज होगा ही होगा, और अगर डिक्लाइन मोड में है तो गाइज उतना ही डिक्लाइन रेट भी कर लेना। तो इस तरीके से रेशियो एनालिसिस आपके प्रोजेक्शंस में हेल्प करते हैं, आपके कैलकुलेशंस में हेल्प करते हैं। सो गाइज इस सेशन में हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के यहां तक रेशियोज कंप्लीट करे हैं। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग डे बाय डे क्लियर हो रही होगी। सो इन द अपकमिंग सेशन, इन द अपकमिंग डेज हम लोग आने वाले रेशियोज को भी ढंग से डिस्कस करेंगे, उनकी भी इंपॉर्टेंस को जानेंगे और उनको लिंक करेंगे अपने फाइनेंशियल मॉडल से, सो दैट हमारे प्रोजेक्शंस, हमारी कैलकुलेशंस एज वेल एज हमारी नॉलेज रिगार्डिंग फॉरकास्टिंग वो एनहांस हो पाए। सो जैसा कि हर बार बोलता हूं यार, लर्न करो, प्रैक्टिस करो, सेशंस पे प्रॉपर ध्यान दो, सो दैट आपकी जो लर्निंग कैपेसिटी है और जो कैचिंग पावर है रिगार्डिंग दी प्रोजेक्शंस वो इंक्रीज हो। सो जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग, जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।